मौलाना सैयद नजीर हुसैन देहलवी जो शेखुल कुल फिल कुल थे, इनके ये शागिर्द थे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी और मौलाना इसहाक मुहद्दिस देहलवी के, जो दोनों के दोनों हनफी थे। बताओ उस्ताद को हदीस आती नहीं थी तो शागिर्द को कहां से आ गई? हमारे ही पास हदीस नहीं है तुम कैसे हदीस वाले हो गए? और बुखारी बुखारी लड़ते हो, जरा बुखारी शरीफ खोल के देख लिया होता कि मुसाफहा बुखारी में कई हाथ से लिखा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में नकल करते हैं, साफहा हम्माद इब्न ज़ैद इब्न मुबारक बियदैही है, मक्का मुकर्रमा में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से हम्माद इब्न ज़ैद की मुलाकात हुई तो दोनों हाथ से इन्होंने मुसाफा किया। अगर एक हाथ से नबी का मुसाफा होता तो सहाबा में वही तरीका राइज होता, ताबेईन में वही तरीका राइज होता। हमारा मुसाफहा तो अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से बुखारी में साबित है। उस जमाने में जो दूसरी सदी हिजरी का जमाना है, तुम्हारा मुसाफहा तो दूसरी सदी हिजरी में नहीं है, पहली सदी हिजरी में नहीं है। मालूम हुआ कि हदीस का जो मतलब हमने समझा है वही सहाबा ताबेईन ने समझा था। आज अंग्रेजों के समझाने से तुम हदीस का मतलब एक हाथ निकाल रहे हो, अंग्रेज की समझ को हदीस में ठूस रहे हो, वरना तो बुखारी में दो हाथ से मुसाफ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते वह कप्पी बैन कप्पई है, मेरा एक हाथ मेरी एक हथेली रसूलुल्लाह की दोनों हथेली के बीच में थी। अब दो आदमी मुसाफा करेंगे तो बीच में हर आदमी की दूसरे के दोनों हथेली के बीच में एक हथेली पड़ेगी। बाजे बेवकूफ कहते हैं देखिए अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की एक हथेली थी, अरे बीच में एक हथेली थी, बीच की बता रहे हैं कि मेरी बीच में एक हथेली थी और मेरी हथेली बीच में किसके थी? रसूलुल्लाह हुजूर का दोनों हाथ था, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का भी दोनों हाथ था, लेकिन एक हाथ बाहर था और एक दोनों के बीच में था। तो न तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का एक हाथ से मुसाफा इससे साबित हुआ, और फिर अगर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का साबित हो तो तुम तो सहाबी के अमल को दलील नहीं मानते, नबी के अमल को तुम कैसे छोड़ रहे हो? अल्लाह के नबी की तो दोनों हाथ थे। और इमाम बुखारी बुखारी बहुत रखते हो, इमाम बुखारी के बाप इस्माइल है, मोहम्मद इब्ने इस्माइल, इमाम बुखारी के वालिद का नाम इस्माइल है, वो भी बहुत बड़े आलिम थे। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से उनकी मुलाकात हुई, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से वो हदीस का इल्म सीखते थे, तो अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से उनकी मुलाकात हुई तो सियर आलाम नुबला इमाम ज़हबी की किताब है जिसमें इमाम बुखारी के हालात और उनके वालिद इस्माइल के हालात लिखे हुए। फरमाते हैं कि इमाम बुखारी के जो वालिद थे इस्माइल, साफहा इब्न अल मुबारक बिजिलता यदई है, अपने दोनों हाथ से इस्माइल ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से मुसाफा किया। वहां तो किलता यदई है बाकायदा लिखा हुआ है, दोनों हाथ। बताओ हदीस पर अमल तुम्हारा है कि हमारा है? फिकह हनफी हदीस के खिलाफ है कि हदीस के मुताबिक है? तब फतावा शामी में लिखा गया कि दो हाथ से मुसाफहा करना सुन्नत है, क्योंकि यही तरीका हदीस से सहाबा के अमल से ताबईन के अमल से मुतवारिस चला आ रहा है। ये एक हाथ का मुसाफा अंग्रेजों से सीखकर यार लोगों ने चालू किया है, और अंग्रेजों से क्या क्या सीखा है इन लोगों ने मैं बहुत तफसील से बताऊं, अगर तो जो पुर्जा दिया गया है वो ऐसे ही बेचारा रह जाएगा, बहुत तफसील से नहीं बताऊंगा। अगर आपको तफसील चाहिए तो मैं आपको पता बता दे रहा हूं। बर्तानिया में एक शहर है मैनचेस्टर, मैनचेस्टर शहर में
एक मस्जिद है, उसका नाम है मस्जिदुल हिदाया। उस मस्जिदुल हिदाया के इमाम है मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब, आपके पड़ोस की रियासत गुजरात के रहने वाले हैं, गुजराती। मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब के पास यूरोप के एक आलिम की लिखी हुई किताब है, कई जिल्दों में, अंग्रेजी जुबान। उसके राइटर मुसन्निफ ने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, दस्तावेजी सबूत के साथ हवाले देकर जमा कर दिया है कि ये जो सल्फी आले हदीस गैर मुकल्लिद कहलाने वाले आज लोग पैदा हो गए हैं, अंग्रेज और यहूदियों ने इनको पैसे देकर खड़ा किया है मुसलमानों के इतिहाद को तोड़ने के लिए और उनमें फितना पैदा करने के। आप उस किताब को पढ़ेंगे, अंग्रेजी जुबान में वो किताब है। मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब से मैंने कहा था कि इसका तर्जमा उर्दू में करा दीजिए ताकि हम जैसे उर्दू जानने वालों को भी इससे इस्तेफादे का मौका मिले। वहां आपको सारी तफसील मिलेगी, कब से ये तहरीक उठी, कैसे कैसे पर्दे में इनको सपोर्ट दिया गया और किस तरह से इसको हदीस और कुरान के नाम पर मुसलमानों में फूट डालने के लिए तैयार किया गया। हदीस हदीस रटते हैं, हदीस से इनका क्या ताल्लुक है? आज बहुत से लोगों को आप देखेंगे मस्जिद में आएंगे, नंगे सर नमाज पढ़ रहे हैं, नंगे सर नमाज पढ़ रहे हैं। सोचो, कहते हैं हमारा मसलक सऊदीया में चलता है, तुम टीवी पर देख लो कोई हरम शरीफ का इमाम नंगे सर नमाज पढ़ता है? सऊदीया में कोई आलिम, कोई मस्जिद का इमाम नंगे सर नमाज पढ़ता है? अगर हदीस पर अमल करने की वजह से नंगे सर होना चाहिए था तो वो आलिम लोग सबसे ज्यादा हदीस जानते हैं, वो सब आलिम नंगे नमाज न पढ़ते। जगह फैल गए हैं, आप देखोगे दो चार दस हरम शरीफ में वैसे गधे भी मिलेंगे आप। लेकिन सारे अइम्मा टोपी और इकाल और रुमाल सर पर डाले हुए, नंगा सर कोई इमाम पूरे सऊदी में एक नहीं मिलेगा। ये आपको गलत बताते हैं कि सऊदीया में हमारा मसलक चलता है। और समझाने के लिए मैं आपको अपना वाक्य सुना दूं। एक दिन इत्तेफाक से एक मस्जिद में एक पैंट शर्ट वाला आदमी मेरे बाजू में खड़ा हो गया नमाज। तो भाई मैं इतना बड़ा वली नहीं हूं कि जरा सा आगे दाएं बाएं बिल्कुल नजर ही ना पड़े। कैसे नहीं नजर पड़ेगी, आंख का दीदा टाइट नहीं ना है, लूज है ना, वो तो जरा सा इधर उधर देख ही लेगा। तो उसको जब मैंने नियत बांधते वक्त देखा तो देखा कि लगता है जैसे कोई पहलवान है, इतना टांग है, जैसे कब्जा करने आया है कि इतना मेरा दखल। तो मैंने अपना पांव थोड़ा समेटा तो और सटाता जा रहा है, हमको तो डर लगा कि कहीं ऐसा नहीं भी दो टुकड़े हो जाए। और नमाज नंगे सर पढ़ा और तहियात के वक्त में ऐसे 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 होली खुला, क्या बता रहा है, दुनिया गोल है, मामला गोल है, क्या बोलना चाह रहा है समझ में। तो अल्लाह ही जानता है उस दिन हमारी नमाज हुई भी कि नहीं हुई, अल्लाह ही जानता है। हमारा दिमाग तो उसी में डिस्टर्ब रहा। सलाम फेंकते ही हमने कहा कि मेरे नौजवान भाई ये बताओ, टोपी थी ही नहीं तुम्हारे पास या टोपी थी तुमने लगाया नहीं? तो कहने लगा कि साबित नहीं है। हमने कहा तुम मुफ्ती हो क्या, तुमसे हमसे सवाल किया है कि साबित है कि साबित नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम इस लायक नहीं कि तुमसे मसला पूछा जाए। हमने मसला नहीं पूछा है कि तुम साबित बताओ, जायज बताओ, हमने तो तुम्हारा अमल पूछा है कि तुमने ये अमल क्यों किया। तुम मसला क्यों बता रहे हो? कहने लगा कि मैं हदीस पर अमल करता हूं। मैंने कहा हदीस की कितनी किताब तुमने पढ़ी है?
जरा बताओ मुझको हदीस की कौन कौन सी किताब तुमने पढ़ी है। कहा मैं सऊदीया में रहता हूँ। हमने कहा सऊदीया में गधे नहीं होते हैं क्या? तुम धौस क्या जमा रहे हो? तुम सऊदीया में रहते हो, सऊदीया हम नहीं जानते हैं। तुम सऊदीया में रहते हो कि सऊदीया में पढ़ते हो? क्या काम करते हो? कह रहे वेल्डिंग का काम करते हैं। हमका बताओ तुम बिल्डर बनकर यहां से गए तो वहां से 5 साल के बाद मुहदीस बन के लौट गए? वाह रे सऊदीया, भेजा हमने फीटर को, वहां से आया मुहदीस बन करके। वहां हदीस पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई मदरसा है कि नहीं है? कोई निसाब कोई कोर्स है कि नहीं? तुम कैसे वहां से मुहदीस बनकर लौट गया? 20 साल की उम्र में तुम यहां से गए थे, 25 साल से तुम नमाज पढ़ रहे थे टोपी लगा करके, 5 साल से टोपी फेंक दिया तुमने। कैसे फेंक दिया? करण साहब हदीस में होता तो वहां भी होता। हमने कहा हदीस किसी के बाप का ठीका है क्या? अल्लाह के नबी की हदीस सारी दुनिया में फैली हुई है और सऊदीया में बंद नहीं है। हम लोग रामायण गीता पढ़ते पढ़ाते हैं कि हदीस ही पढ़ाते हैं मदरसे में। कौन सी किताब हदीस की तुमने पढ़ी कि तुमको टोपी नहीं मिली? कह लगे मौलाना साहब आपसे हम बस नहीं करते, आपका नाम क्या है? हमने कहा मेरा नाम तो बड़ी खतरनाक है, अगर नाम बता दूंगा तो तुम्हारे को बड़ा खतरा हो जाएगा। कह लगे तो हदीस में है? हमने कहा हर किताब में हदीस की है टोपी, लेकिन जब तुम जानते ही नहीं हदीस तो तुमको मिलेगी कैसे? मिलेगी जानने वाले को मिलेगी ना। कहने लगा बुखारी शरीफ में है? हमने कहा बुखारी शरीफ में भी है टोपी। कहने साहब ऐसा तो हो नहीं सकता है। हमने कहा ऐसा ही है, लेकिन अब आपको कौन समझा सकता है? अगर आप कमर कस ले कि हम तो मानेंगे नहीं तो कौन मनवा सकता है? लेकिन है हर हदीस की किताब में, अबू दाऊद शरीफ में है, बुखारी शरीफ में भी है। कौन किताब हदीस की है जिसमें टोपी तुमको नहीं मिली? करनी साहब हमको तो मिली नहीं। हमने कहा तुमको मिलेगी कैसे? जिसमें तलब होती है, ईमान होता है, उसको मिलती है, बेईमानों को चीज नहीं मिलती है। है बुखारी में? तो हमने कहा जी है। कहा आप दिखा देंगे? हम कहे एकदम मिला देंगे आप। तो बड़ी हैरत हुई। कहने लगा हम बुखारी लेके आए? हमका लेकर आओ, लेकिन दिखा देने के बाद बेटे टोपी लगाना पड़ेगा, ये समझ लो। कहने लगा जब हदीस में होगा तो जरूर लगाएंगे। हमने कहा अगर ये जज्बा है तो ले आओ बुखारी, दिखा देते। बेचारा कहीं से खोज खाद के बुखारी शरीफ ले आया। ले आया तो वो तो इस गुमान में था, आज तक उसको ही बताया गया था कि टोपी है ये नहीं है। तो वो खोज रहा है नमाज के बाद में टोपी, तो वहां टोपी थोड़ी मिलेगी। बुखारी शरीफ तो भूल भुलैया है ना, मामूली दिमाग वाला मुहदीस तो है नहीं। वो जगह पर हदीस नहीं नकल करता है। इमाम बुखारी की खसूसियत यह है कि बे जगह रख देगा हदीस को। तुम यहां ढूंढते रहो, यहां मिलेगा नहीं। तुम तो समझोगे कि यहीं पर होगी, वहां पर नहीं है। उसने किसी दूसरे मसले के दरमियान उसको रख दिया। कल आपको जैसे बताएंगे कि बुखारी शरीफ में है कि इमाम के पीछे मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना सूरह फातिहा पढ़े हुए नमाज हो जाती है, ये मसला बुखारी में भी है। लेकिन तुम खोजोगे हदीस नहीं मिलेगी, हमारे पास लाओगे हम दिखा देंगे। तो टोपी का मसला वो बेचारा ढूंढ रहा है बे जगह, कैसे मिलेगा? हमने कहा लाओ बुखारी मेरे हाथ में दे, और खोल कर रख दिया। हमने कहा पढ़ो। इमाम बुखारी ने हेडिंग और सुर्खी कायम किया है बाब सुजूद अला सौब फी शिद्दतिल हर, जमीन धूप की वजह से एकदम गर्म हो, तप गई हो, उस पर खुली पेशानी रखने में दिक्कत हो, सजदा करने में, तो क्या कपड़ा जमीन पर रख करके सजदा करना जायज है? ये मसला बताने के लिए इमाम बुखारी ने सुर्खी कायम की। और हदीस क्या ला रहा है? काल अल हसन कान अल
يسجدون على قلن صوتهم وامامتهم. حسن بصری کہتے ہیں میں نے صحابہ کی قوم کو دیکھا ہے کہ گرم زمین پر نماز پڑھتے تھے تو ٹوپی اپنی آگے پیشانی کی طرف جھگا دیتے تھے اور اسی ٹوپی کے کپڑے پر, ٹوپی تھی نماز میں تب نا, تم کو ٹوپی نہیں ملی. پتا چلا کہ صحابہ نماز میں ٹوپی لگایا کرتے تھے, پتا چلا کہ امام بخاری ٹوپی لگا کر نماز پڑھتا تھا, پتا چلا کہ حدیث کی کتابوں میں ٹوپی موجود ہے. اس طرح سے ایک ایک مسئلہ حدیث کے اندر موجود ہے, لیکن یہ ظالم حدیث پر ظلم کرتے ہیں, حدیث جانتے نہیں ہیں, حدیث حدیث بکتے ہیں. میرے بھائیوں باتیں تو بہت ہیں, اگر میں کسی ایک عنوان پر بہت تفصیل سے بات کروں تو یہ پرزہ میرے ہاتھ میں ایسے ہی رہ جائے گا. ہمارے ذمہ دار لوگوں کو بہت غصہ آئے گا کہ ہم نے مولوی صاحب کو بولنے کے لیے یہ کہا تھا, مولوی صاحب بول گئے. وہ ہم نے تو اس کے لیے ایک دن ریزرو رکھا تھا کہ مسائل ایک دن, تو چلو مسائل کو چھوڑتا ہوں, اب فضائل پر آتا ہوں. اس میں پہلا سوال ہے کہ فضائل اعمال جو کتاب ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. پہلا مسئلہ, پہلا عنوان یہ, تھوڑی سی تفصیل اس کی بیان کر دوں, وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. فضائل اعمال جو کتاب ہے ہمارے ہندوستان کے بڑے نامور محدث, ہمارے شیخ, ہمارے پیر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ کوئی چھوٹے سے ہمارے جیسے مولوی نہیں تھے, پوری دنیا اسلام میں ان کے علم کا ڈنکا بچتا ہے. فضائل اعمال ہی انہوں نے نہیں لکھی ہے, بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کی شرح لکھی ہے, بخاری کی شرح لکھی ہے, الکوکب الدراری, موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے, اور جز المسالک 6-7-8 جلدوں میں وہ کتاب ہے. بڑے بڑے نامور محدثین, علم حدیث کے ماہر علماء عرب میں, عجم میں, مصر میں, شام میں ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو شیخ الحدیث کے علم کا لوہا مانتے ہیں. یہ کتاب فضائل اعمال انہوں نے عالموں کے لیے نہیں لکھی ہے, عوام کے لیے لکھی ہے. اس میں ان کے علم کا کمال نہیں ہے, کمال ان کتابوں میں ہے. بڑا عالم بھی چھوٹی کتاب لکھتا ہے کیونکہ اس کو قوم کی خدمت کرنا ہے. دین تو عوام کا بھی ہے, خواص کا بھی ہے, ایسا تھوڑا ہی ہے کہ دین خالی مولویوں کے لیے عوام کے لیے نہیں ہے. تو جب ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے عوام ایک تو جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, بال بچوں کی پرورش میں, کاروبار میں, نوکری میں لگے ہوئے ہیں, اب ان کو ہم مدرسے میں بھرتی کریں, عمر ان کی نہیں ہے, ان کے حالات ایسے نہیں کہ وہ 10-15 سال آ کر مدرسے میں پڑھیں, ٹائم لگائے, تو کیا ان کو چھوڑ دیں کہ ایسے ہی جانور کی طرح رہے, نہ روزہ, نہ نماز, نہ دین, نہ کلمہ, نہ درود؟ نہیں, ہم عالم ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی دین سے لگائیں, دین سے جوڑے, قریب کرے. تو انہوں نے عوام کے لیے ایک تحریک چلائی, تبلیغی جماعت, بھائی دین سب کا ہے, تم مسلمان ہو, تمہارے اوپر بھی نماز فرض ہے, دنیا میں اتنا مت کھو جاؤ کہ دین کی موٹی موٹی اہم و ضروری چیز بھی نہ ادا کرو. تو عوام کو دین سے جوڑنے کے لیے تحریک چلائی, ایک جماعت تیار کی کہ بھائی ان کے پاس پہنچو, وہ بے عقل ہیں, اگر وہ پانی کے پاس نہیں آنا چاہتے ہیں تو ہم پانی کی ذمہ داری ہے کہ ہم پیاسوں کے پاس پہنچے, ان کو ہم پیاسے مرنے نہ دے, چھوڑ نہ دے کہ ایک دم بے دین ہو جائے, بے عملی کی زندگی گزارے. اس کے لیے نماز, روزے کی تلقین اور دین کی موٹی باتوں سے جوڑنے کے لیے تبلیغی جماعت کا انتظام.